भले ही योगी सरकार गांवों में गरीब परिवारों को बिजली पहुंचाने को लेकर तमाम कवायदों में जुटी है, मुफ्त बिजली देने के लिए सौभाग्य योजना चला रही है, लेकिन खुद विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही उसकी फजीहत करा रहे हैं। वैसे तो आजमगढ़ के कई गांवों में बिना मीटर और बिल दिए बिजली की चोरी हो रही है, लेकिन अगर बिना बिजली खर्च किए ही बिल आ जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही हुआ है आजमगढ़ के सेहदा गांव में, जहां करीब 70 परिवारों को बिना बिजली आपूर्ति किए ही बिजली विभाग ने प्रत्येक परिवार को 3 से 3,500 तक का बिल थमा दिया है। इस पर ग्रामीणों के होश उड़ गए हैं। वहाँ जो न की न तार गजल न तो वहाँ पे का न लाइन खिंचाई घर में न बल्ब मिला ला न खम्मा गड़ल हमारे कहाँ से खाद न मिलता ना तो सब कहाँ बिल भरल जाये 3-3,000 बिल कहाँ से आ गए इतना कौन चीज का साधन न मिला था हमारे रोटी मौका से मिली वाली ना दुबर गरीब कहाँ से न दिए जाए बिल। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने तब हंगामा कर दिया जब प्रदेश के ऊर्जा सचिव आजमगढ़ हाइडल परिसर की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। ऊर्जा सचिव ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। आप ऐसे गांव का नाम बता दीजिए, एमडी साहब को जांच करके कार्रवाई की जाएगी उसमें। आप ऐसे गांव का नाम बता दीजिए, एमडी साहब को जांच करके कार्रवाई की जाएगी उसमें। सेहदा गांव में बिजली देने की कवायद कुछ महीने पहले ही शुरू की गई थी। पोल लगाने के साथ ही कुछ जगहों पर तार लगाने के साथ ही कुछ घरों में मीटर भी लगा दिए गए, लेकिन गरीब परिवार बिजली आने की बाट जोहते रहे। हालांकि बिजली विभाग की कारस्तानी अब मीडिया में सुर्खियां बन चुकी है, लिहाजा उम्मीद है कि जल्दी यहां कम से कम बिजली बिल से पहले बिजली का इंतजाम कर दिया जाएगा, यहां का पसरा अंधेरा दूर कर दिया जाएगा। रतन प्रकाश, APN, आजमगढ़।